वही तो रानी खिला हुई काम बाल गंगा। ये बाल गंगा है और इसकी भी कहानी आपको आपको YouTube पे और कई वीडियो पर कई जगह देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग यात्रा से पहले बाल गंगा का जल जरूर स्पर्श करें और माता रानी की यात्रा प्रारंभ करें। जय माता दी। बाल गंगा, बाल गंगा पवित्र दर्शन करिए सभी लोग। जय माता दी। जयकारा जेरा वालिदा। हम लोग पहला पड़ाव पार कर चुके हैं और पहले पड़ाव में आप मेरे पीछे देख रहे हैं चड़कपाद का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माता के माता ने अपने चरण यहीं धोए थे, आप लोगों को पता है। और हम लोगों ने करीब 440 जीना चढ़ के चड़कपाद का पर आ गए हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा हमने पार कर ली है और अब हम चलते हैं इसके आगे, यात्रा को पूरा करते हैं। अर्धकुमारी पे मिलेंगे। तो बने रहें ब्लॉग में और अपना प्यार भी देता रहें। कमेंट में जय माता दी जरूर जयकारा लगाएं और जल्दी से अपना प्लान बनाएं, माता के दर्शन करें। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय शेरा वाली, जयकारा माता रानी का, बोल सत्य दरबार की जय। भैया थक गए थे तो लूडो को भी आनंद लो यार, जी में थकान खत्म हो जाए। देखो जी प्लेयर्स कितने खतरनाक है लूडो के। देखो तो हम विश्व मजाक लगा रही हो तो भैया यार दिखा दूँ। देखो जी लूडो चल रहा हो, अब जी लूडो चल है कम से कम एक एक चाल तो एनर्जी आ जाए है। अब फिर चले चले कितने आगे डाला अपन 4 किलोमीटर। अरे भाई साहब कहा है स्टेम नहाल सही है। माता रानी बहुत ताकत दे, बने रहे ब्लॉग में और शानदार नजारे और खूबसूरत वादियों के साथ आपको ले जाएंगे दर्शन करने यात्रा के साथ। बने रहे, जय माता दी। हम लोग आ गए अर्धकुमारी। अर्धकुमारी में आप मान के चलिए कम से कम 5 से 6 घंटे की बेटिंग चल रही है। और ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे मिलेगी आपको पर्ची और भवन के लिए रास्ता गया है यहाँ से। तो ये अर्धकुमारी यहाँ बैठे हुए हैं और आप पीछे में देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग आ गए हैं गर्भजन गुफा में और ये हमारा नंबर कितना नंबर है अपना 410। ये मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे में नंबर आ जाएगा। अभी नंबर चल रहा है 260। 2 से 2.5 घंटे में नंबर आ जाएगा, हम लोग करेंगे दर्शन
आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है, माता रानी का स्वर्ग की नगरी का है, एकदम स्वर्ग में। और पीछे देख सकते हैं गर्भजन गुफा है, और ये पीछे मेरे देख रहे रास्ता ये है भवन के लिए। तो हम लोग यहाँ दो से ढाई घंटे आराम करेंगे, आराम से चलेंगे, उसके बाद चलेंगे भवन की। जयकारा शेरा वाली का, दरबार की जय। अर्धकुंवारी से नीचे कटरा के दर्शन करिए, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है कटरा का। अरे हम लोग 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके ऊपर आ गए हैं, और ऊपर से देखिए नज़ारे कितने शानदार हैं। जय माता दी, अर्धकुंवारी माता का मंदिर, गर्भजन गुफा, यहाँ से भवन की दूरी 500 मीटर की है। जय माता दी। और हम यहाँ आपको दर्शन करा रहे हैं भवन के 500 मीटर की दूरी से। जय माता दी, सामने भवन है। जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा। अगर आप ऊपर स्नान करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। पार्वती लॉकर नया बना हुआ है, जिसमें आप आके बहुत ही सुविधा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू में कितना अच्छा है। हाँ, पानी बहुत ठंडा है, बर्फ की तरह है, -3-4 टेम्परेचर है आज का, जैसे हम लोगों ने आया है। भी बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, शौचालय बने हुए हैं लाइन से, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, ऊपर नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठंड से मत डरना, जैसे हमने नहीं डरा है, नहा लिए हैं, लेकिन दर्द खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दर्द शरीर का, बहुत ही आरामदायक है। आप लोग वहाँ ऊपर नहाएं, 3rd फ्लोर में सुविधा दी गई है इसकी। जय जय माता, जय श्री राम। माता रानी का पावन भवन आप लोगों के सामने, जयकारा लगाएं, दर्शन करें। रात का समय हो रहा है, 11 बज रहे हैं, 14 जनवरी 2024, मस्त मौसम है, बेहतरीन सुविधाएं हैं। आप लोग आएं और माता रानी के दर्शन करें, और यहीं से जयकार लगेगा, क्योंकि लॉकर में मोबाइल सब कुछ रख जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग यहीं से दर्शन करें माता रानी का, मोबाइल हमारे जमा हो जाएंगे, बाकी अपने जल्दी से ट्रिप बनाएं, माता रानी के दरबार में आएं और जयकारा लगाएं, दशहरा वालिदा सर्च किया। और आप लोग ये पार्वती भवन, ये जो हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, नहाने की, बाथरूम करने की, नहाने की और फ्रेश होने की हर चीज़ की सुविधाएं दी गई हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। नया बिल्कुल बना हुआ है ये, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये यहाँ से आ सकते हैं आप लोग सीधे, पहले रूट से पहले पड़ेगा ये। और सामने भेंट सौंप है, आप प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद यहाँ से आप ले सकते हैं, प्रसाद लेते हुए आप लोग जो आगे जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, बहुत ही पावन दर्शन होंगे आपको आज, क्योंकि 14 जनवरी है। और हमें न्यूज़ मिली थी कि 14 जनवरी से पुरानी गुफा भी खुल जाएगी, तो हम लोग इसके बाद जाते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोग बने रहें ब्लॉग में, आगे की यात्रा में शामिल रहें। जय माता दी, जय श्री राम। जय माता रानी। ये मैया का रास्ता गया यहाँ से भवन के लिए, और हम वहाँ के भवन जाएंगे, और अपना मोबाइल यहीं जमा हो जाएगा, ये लास्ट वीडियो है यहाँ से, और इसके बाद जब दर्शन करके आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे माता रानी के, दर्शन कराएंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे आप, भवन है ये। जय माता दी, ये प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, अब इसके बाद चलते हैं आगे।
भवन के लिए, माता रानी के भवन सामने है। और आप लोग बता दें, जो पिछली साल हमने वीडियो डाली थी स्काई वॉक की, वो पूरा चालू हो गया है, पर वहाँ की वीडियो नहीं बना पाएंगे स्काई वॉक की। तो आप लोग बस क्लॉक रूम तक ही वीडियो चालू रहेगी, आगे क्लॉक रूम है, वहाँ मोबाइल जमा होगा। और लगाइए जयकारा, जय माता दी। मनोकामना डोमेट्री है, फायर सर्विस, भोजनालय है ये, और यहाँ से टिकट काउंटर एंट्री है रोपवे के लिए। यहाँ से रोपवे के लिए जाएंगे, लॉकर रूम किधर आपने उतारे पीछे? ये भैरवनाथ की घाटी, भैरवनाथ घाटी से मैया के दर्शन करेंगे। यहाँ कितना सुंदर नजारा है, जय माता दी। भैरव घाटी पर, भैरव घाटी से कटरा, ये रहा भाई 17 किलोमीटर ऊपर, 17 किलोमीटर की हाइट पर है हम। भैरव घाटी पर हम लोग, भैरव घाटी की छत है, जहाँ से आप कटरा और माता रानी के भवन बहुत अच्छे देख सकते हैं। बहुत जगह सेल्फी भी लेते हैं, हम भी लेंगे। हमारी यात्रा पूरी हुई, जय माता दी, जयकारा श्री वालिदा सच्चे दरबार की। कैसे दर्शन हुए? मस्त, मजा आ गया। कितने साल से आ रहे हैं आप? 5 साल से आ रहे हैं, 36 साल है। गर्भजन को भाई पहली बार दर्शन हुए? हाँ, उसके पहली बार दर्शन हुए। कैसा आनंद हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे आप पुनः जन्म में हुआ। जय माता दी, जय माता। कितने मिनट दर्शन हुए आपको? 3 घंटे। तो दर्शन मिलते ही आपको कैसा लगा? दर्शन पार्टी कैसा लगा गर्भजन के? गर्भजून में जाओगे तो क्या लगेगा, जब पैदा हुए अभी? नया जन्म लिया हो? नया जन्म हुआ है हकीकत में।
भाग्यशाली है और दर्शन कर पाए 3 घंटे में। जय माई जय माई।